उत्तराखंड में नौकरशाही हावी होने की बातें लगातार उठती रहती हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही नौकरशाही हावी होने की बातें गाहे बगाहे कहते रहते हैं। लेकिन अब बड़ा ही गंभीर मामला विधायक प्रीतम सिंह ने गैरसैंण सत्र के दौरान सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से जब वो मिलने पहुंचे तो मुख्य सचिव ने उन्हें और उनके साथ मौजूद विधायकों को अभिवादन तो छोड़िए तवज्जो तक नहीं दी। इस पर अब विधानसभा स्पीकर ने जवाब तलब किया है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर क्यों जनता के चुने प्रतिनिधियों का नौकरशाहों द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है। आप भी खुद सुनिए प्रीतम सिंह ने क्या कुछ सदन के दौरान कहा है। माननीय अध्यक्षा जी, इस सदन के अंदर कई मरतबा विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव आए, और जब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है पीठ के माध्यम से समय समय पर उस परिप्रेक्ष्य में सरकार को निर्देशित भी किया गया है। और आज की जो घटना है निश्चित रूप से बहुत अचंभित करने वाली घटना है। जो चीफ सेक्रेटरी जब सरकार के यहाँ से कोई निर्देश जाता है तो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि भाई आप जो है प्रोटोकॉल का पालन करें। आज मैं स्वयं, मेरे साथ भुवन कापड़ी, आदेश चौहान और हरीश धामी जी चीफ सेक्रेटरी के कक्ष में जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी का जो हमारा प्रोटोकॉल बनता है कि हमारा अभिवादन करे, उन्होंने तो हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। ये अगर इस तरीके से विशेषाधिकार के हनन आते रहेंगे, आप निर्देश देती रहेंगी और चीफ सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी अगर उसका पालन ना करे तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। वहां पर जो है हमारे मुख्य सचिव के कक्ष में जो है प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग थे, वो खड़े अपने स्थान से हुए, हमने उनसे बात की, फिर हमने ऐसी परिस्थिति में हमने चीफ सेक्रेटरी से बात करना भी उचित नहीं समझा। हम वहां से सीधे बाहर आ गए। अगर हम कुछ कहते तो फिर कहा जाता कि विधायक लोग आए थे और विधायकों ने जो है अभद्रता की, हम पे आरोप लगता, फिर जो है सरकार भी जो है मुख्य सचिव के पक्ष में खड़ी हो जाती, अधिकारी वर्ग भी जो है मुख्य सचिव के पक्ष में खड़े हो जाते। हमने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या इस तरीके से प्रदेश संचालित होगा? क्या यही सम्मान विधायकों का है? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चुन करके आए हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि का अगर इस तरीके से प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर के अधिकारी आचरण करेगा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई कन्फ्रंटेशन हो जाए। हमारा भी सम्मान है। तो ये अगर ये परंपरा इस प्रदेश के अंदर बनेगी तो मैं समझता हूं कदापि उचित नहीं। समय समय पर ये बातें उठती रही है प्रदेश के अंदर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। और अगर आपकी पीठ का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुरूप अगर अधिकारी जो है आचरण नहीं करेंगे तो आप बताइए माननीय अध्यक्षा जी हम किसके पास जाएं? या तो आप ये कह दीजिए पीठ के माध्यम से सरकार को, ठीक है जो उठना चाहे उठे, प्रोटोकॉल की कोई आवश्यकता नहीं है प्रदेश के अंदर। अगर अगर कोई नियम कायदा कानून नहीं है फिर भाई ठीक है हम भी जाएंगे, तब उसी समय उसी परिस्थिति से देख लेंगे, उसी परिस्थिति से निपट लेंगे। लेकिन अगर प्रोटोकॉल है तो उसका पालन अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं करेगा तो फिर कौन अधिकारी करेगा?
और आज की घटना है, सुबह प्रश्नकाल में हम गए थे और ये भी हो सकता था कि आपके हम चार विधायक गए थे। ये स्थिति है इस प्रदेश के अंदर और इसीलिए हमको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपको देना पड़ा। हम आहत हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी ये समझते हैं कि वो आईएएस का एग्जाम दे करके उस वहां तक पहुंचे हैं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम भी जनता से चुन करके यहां आए इस सदन के अंदर बैठे, हमने भी शिक्षा ग्रहण किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग जाते हैं। लोकतंत्र इस देश के अंदर, यहां अगर ब्यूरोक्रेट होगा तो लोकतंत्र के अंदर जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भी होंगे और यदि उनका अपमान इस तरीके से होगा, इस तरीके का व्यवहार जो चीफ सेक्रेटरी करेगा तो कदापि हम इसको सहन करने की स्थिति में नहीं। अध्यक्षा जी, ये बहुत गंभीर विषय है और मैं आज आपसे अपेक्षा करता हूं, आप स्पीड पर बैठी हुई हैं, आपके यहां से कड़े संदेश जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके का दुस्साहस जो है कोई अधिकारी ना करे। अरे गजब है,